नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पम्मू और आपका स्वागत है ज्ञान विज्ञान के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप एरोप्लेन के वॉशरूम को यूज करते हैं और वॉशरूम के यूज करने के बाद जब आप फ्लश करते हैं तो उस फ्लश के बाद बहुत तेज से आवाज क्यों आती है। जब आप लोगों ने एरोप्लेन में ट्रैवल किया होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ जो नहीं कर रहे हैं पर वो जानना चाहते हैं क्योंकि वो शायद फ्यूचर में ट्रैवल करें। जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आप एरोप्लेन के वॉशरूम यूज करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं और आप जैसे ही वॉशरूम में पहुंचते आपको पता चलता रहे यहाँ तो पानी नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपनी मीटिंग को करें या नहीं करें, तो मेरा आपको सजेशन है आप अपना मीटिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके मीटिंग हो जाने के बाद आप वहाँ पर प्लस दिखता है जिसे आप दबा रहे हैं तो बहुत तेज सी आवाज आती है। जैसा कि आप जानते हो कि आपके घर पे जो वॉशरूम होते हैं उनका सिस्टम ऐसा होता है कि आप उसमें जब प्लस करते हो तो आपके द्वारा किया हुआ मीटिंग पाइपों के द्वारा सीवेज में भेज दिया जाता है, पर एरोप्लेन में कोई ऐसे सिस्टम ना होने के कारण और एरोप्लेन में पानी ले जाने से उनका वेट बढ़ जाने के कारण एरोप्लेन एक वैक्यूम सिस्टम का यूज करते हैं। जब आप फ्लैश दबाते हैं तो वैक्यूम सिस्टम बहुत तेजी से आपके मीटिंग को खींचकर एक जगह स्टोर कर देता है। इसके लिए आप जब फ्लैश करते हैं और फ्लैश करने के बाद इतनी तेज आवाज आती है क्योंकि वो वैक्यूम बहुत तेज से सक करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्ञान विज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या आपको किसी भी प्रकार की जनरल नॉलेज की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट में मेंशन करें। धन्यवाद।